हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव मौजूद है। सर, आज ओपी राजभर की इंडिया में वापसी हो गई है, उसके बाद क्या जो 2024 का चुनाव है उसमें क्या कुछ आपको लग रहा है कि परिवर्तन? देखिए, अभी ओमकार राजभर कुछ दिनों पहले आप सुन रहे हैं मायावती जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, अभी इसकी बात है, 3-4 दिन की बात है। और कल चले गए वहाँ पर हैं, और ऐसे ही एक बड़बोले मंत्री और पहले सुना रहे थे कि सपा समाप्त और कौसाम्बी में हार गए। अब देख लेना जौराबाद में जिनकी जमानत जब्त हो जाएगी, जहाँ से ये चुनाव लड़ेंगे जमानत जब्त हो जाएगी। इनका कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं इनका, कहाँ चले जाएं, क्या किसको प्रधानमंत्री बना दें, किसको क्या बना दें, ऐसे लोग हैं, इनके बाद क्या करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि एनडीए में आने के बाद मजबूती मिली, उत्तर प्रदेश से जो विपक्ष है उसको कहीं ना कहीं कमजोरी मिल रही है, ओम प्रकाश राजभर ने आज आरोप लगाए। देखिए, विपक्ष और मजबूत होता चला जा रहा है, और आपकी 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली नहीं है। दक्षिण भारत से लेकर के और इस उत्तर भारत, दक्षिण भारत से लेकर के कहीं पर भी किसी भी प्रदेश में, कौन से प्रदेश में जीत रहे, तमिलनाडु से लेकर के बंगाल से लेकर के उड़ीसा से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर के सब जगह ये बुरी तरह से हार। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इनको हरा करके भेजेगी। सर, सपा की क्या रणनीति है 24 को लेकर के, अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी को? अब रणनीति तुमको थोड़े बता देंगे रणनीति कोई बताने को होती है, रिजल्ट देखना फिर तब बता। आप देख पा रहे किस तरीके से हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2024 को लेकर के उनकी जो तैयारियां कहीं ना कहीं वो पूरी हो चुकी हैं, और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ेगी। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव।